दूजे के लिए बने हम रूहानी है प्यार। हाँ एक दूजे के लिए बने हम रूहानी है प्यार। दिल के करीब हो तुम मेरा नसीब हो तुम। चाहते हैं कितना तुमको कह नहीं सकते। हो के जुदा तुमसे रह नहीं सकते। हो चाहते हैं कितना तुमको कह नहीं सकते। हो के जुदा तुमसे रह नहीं सकते। तुम अंधेरों में तुम हो जड़ों में। तुमको बसाया मैंने ख्वाब ख्यालों में। अब तो मेरा तुम बिन एक पल जीना है दुश्वार। दिल के करीब हो तुम मेरा नसीब हो तुम। दिल के करीब हो तुम जी। बूजी बूजी। हाँ आप मत जाओ बूजी, प्लीज मत जाओ। क्यों नहीं जाऊं, क्या हुआ? तुम्हें डर लग रहा है? मुझे कुछ नहीं होगा, वो मेरे आदमी है, आई कैन हैंडल देम, डोंट वरी। नहीं बूजी, मुझे नहीं लगता कि वो आपकी बात सुनेंगे। दे आर ट्राइंग टू एक्ट ओवर स्मार्ट। अरे उन्हें क्या हैंडल कर रही है? अगर वो सच में आपके कंट्रोल में होते ना, तो बूजी उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो आपको ऐसे फोन करके अभी ऐसे बुलाए। हाँ रिया, आई अंडरस्टैंड, पर जाना तो पड़ेगा ना, जाके देखना होगा कि वो बुला क्यों रहे हैं। बूजी कि उनकी कोई चाल ना हो। आप ऐसा करो, आप यही रहो और रिपोर्ट संभालो, मैं उन्हें जाके संभालती हूँ। अब हम उनके ऐसे ऑर्डर्स तो फॉलो नहीं कर सकते ना। मैं उन्हें कह दूंगी कि आपको कोई चाहिए था तो लो मैं चली आई। मुझे अगर आप चली गई तो कहीं ऐसा ना हो कि वो जो सोच रहे हैं वो सच में हो जाए। ऑल राइट रिया, मैं यहीं रुकती हूँ और यहाँ पर संभालती हूँ, तुम जाओ। और मैंने सुना है कि जब मेहंदी का कलर हाथ पे बहुत डार्क आता है ना, इसका ये मतलब होता है कि पत्नी को पति का बहुत सारा प्यार मिलेगा। पति का नहीं, कहते हैं कि सास का प्यार बहुत मिलता है। सास का प्यार? सास का प्यार थोड़ी मिलता, अगर ऐसा मिलता होता तो लोग सास का नाम लिखवाते ना, पति का भी लिखवाते। एनीवे चलो, तुमने कोई और स्टोरी सुनी है? मैंने कोई और स्टोरी सुनी, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगाऊं? मैं सबसे क्या कहूंगी? कह देना कुछ भी, कोई कहानी बना देना। बोलना कोई इंसान आया था, मेरे हाथ में मेहंदी लगा के चला गया, मुझे अच्छा लगा। ऐसे किसी ने भी आके मेहंदी लगा दी और मुझे पता ही नहीं चला। बोलना सपने में आया था, उसने हाथ पे इतनी खूबसूरती से मेहंदी लगाई ना कि मेहंदी बहुत अच्छी रची है। कुछ भी प्यार है, कुछ भी होता है। और मुझसे कहा ना गया मैं तेरा हो गया। तुम मुझे फंसाने वाले हो ना? इतना आसान होता है कि लड़की को फंसाना? अगर ऐसी नाम लिखने से लड़की फंस जाती है तो दिल पे थोड़ी नाम लिखते, सब हाथ पे ही नाम लिखते। तुम नाम लिखने वाले हो? मैं मिटा रही हूँ इसे, कोई देखेगा तो क्या बोलेगा ये। रणबीर, प्राची का प्र और रणबीर का बीर, रणबीर। रणबीर मेरे, जैसे दो जिसमें एक जान, ऐसे दो नाम पर एक पहचान। मैं प्रण लेता हूँ कि मैं कभी रणबीर को अलग नहीं होने दूंगा, नहीं दूंगा। चाहे जो भी हो, जान तुझ में बसी है मेरी। आधी रात को जग जाए जब तू ख्वाब में ना आए, जब सूख जाए तो मिटा देना। हाँ मधुरिमा। हाँ रिया, रिपोर्ट से ना कुरियर हो चुकी है। थैंक यू मधुरिमा, थैंक यू सो मच। अरे रिया, रिपोर्ट तो कुरियर हो गई है, पर वो गलत वाली रिपोर्ट कुरियर हुई है। गलत रिपोर्ट मतलब? अरे मतलब यार, यहाँ पे है ना नर्स रिसेप्शनिस्ट ने ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी है। एंड यू नो, तेरी वाली रिपोर्ट कहीं और चली गई है और कहीं और की रिपोर्ट तेरे पास दे दी गई है। तो मेरी रिपोर्ट कहाँ है? डॉक्टर प्रीति के पास, अब वो ही उसे ठीक करके भेजेंगी। और इसके पहले कि वो रिपोर्ट ठीक करे, आई वुड सजेस्ट कि तुम ही जाकर हॉस्पिटल में रिपोर्ट स्टोरेज से ना वो रिपोर्ट निकलवा लो। मधुरिमा मैं कैसे, तुम ही कर दो ना। मैं ये रिस्क नहीं ले सकती बिकॉज
मेरे और डॉक्टर प्रीति के बीच में ना काफी टाइम से बहुत इश्यूज चल रहे हैं। उनके पेशेंट्स की रिपोर्ट मैं नहीं देख सकती और मेरे पेशेंट्स की रिपोर्ट वो नहीं देख सकती। तो अगर इस बीच में किसी ने मुझे तुम्हारी रिपोर्ट जाके लेते हुए देख लिया तो यार मेरी तो जॉब चली जाएगी और बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। इनफैक्ट मेरा लाइसेंस भी छिन सकता है। ओ, तो रिया की रिपोर्ट हॉस्पिटल के स्टोरेज रूम में। एक काम करती हूँ, प्राची को बोलती हूँ कुछ करने के लिए। हाँ मेरे फोन में तो नेटवर्क ही नहीं है। अच्छा ठीक है, थैंक्स फॉर एवरीथिंग, मैं कुछ करती हूँ। डैम इट, प्राची को फोन करती हूँ। वो रिया फोन कर रही है, मेरे फोन में नेटवर्क क्यों नहीं है? रिया कहाँ हो तुम? अभी भी रास्ते में हूँ, पर बूजी हॉस्पिटल में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। क्या हुआ आपका? बूजी वो रिपोर्ट कुरियर तो हो गई है, लेकिन लेकिन बूजी वो रिपोर्ट गलत है। You understand what this means? मेरी रिपोर्ट अभी भी हॉस्पिटल में है। और बूजी हमें ये बात भूल नहीं चाहिए कि डॉक्टर प्रीति प्राची को बहुत अच्छे से जानती है। और बूजी we have to do something इससे पहले कि डॉक्टर प्रीति उस रिपोर्ट के साथ कुछ करे और वो रिपोर्ट घर में किसी और के हाथ लग जाए। We have to do something. मेरी रिपोर्ट हॉस्पिटल से निकालनी ही होगी। Do you understand? पक्का आलिया बूजी वहाँ जाएंगी रिपोर्ट चुराने। उनसे पहले मुझे वहाँ जाना होगा, कुछ करना होगा। ठीक है मैं हॉस्पिटल जाती हूँ। जल्दी बूजी प्लीज। ओके यहाँ वहाँ क्या देख रही हैं आप मिसेस कोहली? आप ही से बात कर रहा हूँ। डांस? आई मीन क्यों एक पति अपनी पत्नी के साथ डांस नहीं कर सकता क्या? या फिर हम दोनों को साथ में डांस करने के लिए फिर से शादी करनी पड़ेगी? ताकि एक और संगीत का फंक्शन हो और तुम मेरे साथ डांस करो? नहीं Come on, यार पल्लो, संगीत का फंक्शन है, एक डांस तो बनता है यार। हाँ लेकिन अब अभी मेरा मन नहीं है। हाँ so, पल्लवी तन मन धन सब पति को दे दिया, उसमें मन का क्या देखना? ऑफकोर्स लेकिन अब क्या है कि मैं कर लूंगी, लेकिन अभी नहीं, बाद में। अरे रणबीर आना, या आना यार, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। बोलो। तेरी ये जो ब्यूटीफुल मॉम है ना, तेरे हैंडसम डैड के साथ डांस नहीं करना चाहती है यार, मुंह पे मना कर दिया। अरे प्रॉब्लम का है तो सलूशन है, मेरे हैंडसम डैड अपना हाथ दो और मेरी ब्यूटीफुल मॉम का हाथ पकड़ो, सीधा खींचो और डांस करो। हाँ अब शादी आपको सिर्फ प्यार करने का लाइसेंस थोड़ी देती है, शादी आपको डांस करने का भी लाइसेंस देती है। पॉइंट, कम ऑन मॉम। I'm not good at dance with him. Of course you can. क्यों नहीं करोगे आप? वैसे मैंने आपको कितने टाइम से डांस करते हुए देखा है। Come on, मेरे लिए। चलो, come on. अब रणबीर कह रहा है तो डांस तो करना पड़ेगा। और ये साथ में डांस करने की बात कर रहा है बाय द वे। मैं तो कर लूंगी लेकिन आपका It's time. समय आ गया है कि सबको ये बात पता चल जानी चाहिए। क्या हुआ प्राची? क्या बात करना चाहती हो तुम? जवाब दो, क्या बोलना चाहती हो तुम? हाँ क्या बोलना है तुम्हें? आउच! क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, बस थोड़े से चक्कर आ गए थे। क्या हुआ आलिया, अचानक ऐसे चक्कर कैसे आ गए? वो एक्चुअली सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है, मे बी इसीलिए चक्कर आ गए। तुमने बताया नहीं, तुम गई कहाँ थी? जवाब दो, संगीत चल रहा है यहाँ पर, कोई मजाक नहीं, जवाब दो। क्या हुआ, तुम बाहर से आ रही हो क्या? बाहर से आ रही है मतलब
नहीं जाना चाहिए था ना इसे बाहर। तुम जानती हो ना यहाँ तुम्हारी संगीत सेरेमनी चल रही है, बाहर जाने की जरूरत क्या थी? पल्लवी प्लीज काम डाउन, तुम लोग प्राची से सवाल पूछ रहे हो या उसे किसी क्रिमिनल की तरह इंटरोगेट कर रहे हो? विक्रम प्लीज डोंट इंटरप्ट, मैं तुम्हारे ऑफिस के काम में कुछ बोलती हूँ क्या? तो फिर पल्लवी ये तुम्हारा पर्सनल मैटर नहीं है, ओके? प्राची हमारे फैमिली की मेंबर है और ये एक फैमिली मैटर है। फैमिली मैटर में बोलने का सभी को हक है, और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि पल्लवी तुझे प्राची से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। कैसे बात की मैंने, सिर्फ पूछ ही तो रही थी। अरे जाने दो ना मम्मी, अब बाद में पूछ लेना, अभी देखे ना कितने सारे गेस्ट आए हैं, आपने तो बोला संगीत है, ये सब हो जाए फिर बाद में आराम से बैठा के पूछ लेना। हाँ ठीक है ठीक है, नहीं पूछूंगी। ओके रणबीर अपने डैड को समझा लेना, मुझे इंटरप्ट ना करे अगली बार। एंड यू अंदर जाके रेडी हो जाओ, टचअप करा लो अपना, सब तुम्हारे लिए पूछ रहे हैं, सो जस्ट गो एंड गेट रेडी। और मुझे लगता है कि हमें भी यहाँ इस तरह नहीं खड़े रहना चाहिए, मेहमान हमारे बारे में क्या सोचेंगे। चलो चलिए। आप रिपोर्ट छुपा सकते हैं, सच को नहीं। आपको रिपोर्ट छुपाना है आप छुपाइए, जलाना है जला दीजिए, फेंकना है फेंक दीजिए, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है उस रिपोर्ट में क्या है। और वो रिपोर्ट मुझे फैमिली को दिखाने के लिए चाहिए थी, सबूत के तौर पे चाहिए थी। क्या सबूत? और क्या पता है तुम्हें? हाँ यही कि रिया प्रेग्नेंट नहीं। फिर से वही बात, हाँ मेरे सामने कह दिया, फैमिली वालों के सामने मत कहना, सुनाएंगे तुम्हें, क्योंकि सबको पता है कि तुम्हें रिया से प्रॉब्लम है, चलती हो तुम रिया से, और ये रिया प्रेग्नेंट नहीं है खुद के दिल को बहलाने के लिए अच्छी बात है, लेकिन सबको सुनाने के लिए नहीं, मत बोला करो, ये बात तुम्हारे लिए अच्छी होगी। मेरे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं आप रहने दीजिए, आप इतना टेंशन मत लीजिए, आप रिया का टेंशन लीजिए, क्योंकि उससे आपकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। और मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रही, जो देखा है जो सुना है वही बता रही, मैंने अपनी आंखों से देखा है। रिया का मन कर रहा था पपाया खाने का, ढेर सारा पपाया उसने मंगवाया था, और तो और अपने लिए डीप टिश्यू मसाज भी बुक कर रही थी। वो मसाज मेरे लिए था? वो तो बाद में ना पूछी, उसे डर लग गया कि कहीं मुझे सच पता न चल जाए, इसलिए बहुत स्मार्टली उसने वो बुकिंग आपके नाम पे करा दी। मेरा कोई भी शक बेबुनियाद नहीं है, मुझे पता है सच क्या है, मुझे पता है रिया इज नॉट प्रेग्नेंट। तुम ना अपने दिमाग का टेस्ट कराओ, रिया की प्रेगनेंसी के टेस्ट के बारे में हम बात नहीं करेंगे, फिर हम तुम्हारे मेंटल टेस्ट के बारे में बात करेंगे। बात तो रिया की ही होगी, आपको उसकी रिपोर्ट से इतना प्यार है ना, कोई बात नहीं आप वो रिपोर्ट अपने पास रखिए, मुझे नहीं चाहिए, आपको रिपोर्ट जलानी है जला दीजिए, क्योंकि जो ओरिजिनल रिपोर्ट है ना वो डॉक्टर प्रीति के कंप्यूटर में है, और बहुत जल्द वो भेजने भी वाली है, फिर सच क्या है सबको पता चल ही जाएगा, फिर वही बात हो जाएगी ना, पूरे काम का बुरा नतीजा उसके बाद आप प्लीज कोशिश करिएगा किसी के पीठ पे खंजर मत मारिएगा। ये प्राची कब से गेम खेलने लगी? मुझे लगा ये अपनी माँ की तरह होगी, इसे जितना दबाएंगी ये उतना दबेगी। आर्यन जस्ट काम डाउन। अरे क्या काम डाउन मिली? शाना इज मिसिंग। व्हाई आर यू गेटिंग सो अपसेट? क्योंकि शाना किसी प्रॉब्लम में है, मेरा दिल ऐसे नहीं घबरा रहा है। शुड हाउ कैन आई फॉरगेट व्हाट? मैंने उसका पासवर्ड चेक किया था, मैं उसे ट्रैक कर सकता हूँ, आई कैन फाइंड हर। वो क्यों तुम्हारा पासवर्ड अभी तक अपने पास रखेगी? अब तक तो उसने पक्का चेंज कर दिया होगा। मैंने तुम्हारा पासवर्ड सेट किया था ना, रखा है ना अभी तक? हाँ, but because I love yes, you. Yes, I found her. मिल गई वो, चलो
नहीं आर्यन, आई एम सॉरी. व्हाट? आई मीन तुम चलो, मैं आती हूँ. अरे मैं आती हूँ क्या? चलो ना मेरे साथ. तुम्हारे साथ? अब मेरे लिए जगह कहाँ बची? कहाँ बची? मिली तुम ये क्या बोले जा रही हो? प्लीज डोंट वेस्ट टाइम, चलो. नहीं आर्यन, मुझे नहीं आना. फाइन, मेरे ख्याल से तुम अभी ठीक से सोच नहीं पा रही हो. तुम्हें नहीं आना है कोई बात नहीं, लेकिन आई एम सॉरी, मुझे जाना पड़ेगा. आई हैव टू. आई नो तुम अब नहीं रुकोगे. तुम जाओ. मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, पर मैं उन सवालों के जवाब देने नहीं आई. बिना मिले भी जा सकती थी, पर मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मेहका, तुम मेरे बड़े काम आई हो. Honestly, Mika, you have been of great help to me. तुम्हें पता है, आज तक मेरी लाइफ में कभी भी किसी ने इतनी हेल्प नहीं की. So, thank you. And Mika, I'm so sorry. जैसे तुमने मेरी हेल्प की है, काश मैं भी तुम्हारी हेल्प कर पाती. काश मैं भी तुम्हारी इतने काम आ पाती. But you know what? इसकी जिम्मेदार ना मैं अकेली नहीं हूँ, तुम्हारा वो भाई फिर वो भी बराबर का जिम्मेदार है. उसी की वजह से तुम ऐसी लाइफ जीने वाली हो. एंड यू नो व्हाट, तुम्हारी गलती ना सिर्फ इतनी है कि तुम उसकी बहन निकली. उसी की सजा तुम्हें मिलेगी. आई एम सो सॉरी. तो अब तुम उसी को याद रखना और मुझे भूल जाना. ओके बाय. तुम इतना धीरे धीरे क्यों चला रहे हो? तेज चलाओ ना. अरे तेज क्या चलाऊं, हम पहुंच गए ऑलमोस्ट. कहाँ है? मुझे कुछ दिख नहीं रहा है. यहाँ तो काला घना अंधेरा है. अंधेरा काला और घना ही होता है. कुछ नया बताओ. अंधेरे की व्याख्या बाद में देना, पहले बताओ वेयर हाउस कहाँ है. अरे वो है ना आगे आगे जाके. आगे तो गाड़ी यहाँ क्यों रोकी? मैंने तुम्हें क्या बोला था ब्यूटी विद ब्रेन क्या हुआ, तो मुझे गलत क्यों प्रूव कर रही हो? देखो मैंने वहाँ पे गाड़ी क्यों खड़ी नहीं करी, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो गाड़ी की आवाज आएगी ना, गुंडों को पता लग जाएगा हम आ गए. इसलिए मैंने यहाँ गाड़ी खड़ी करी है ताकि हम चुपचाप जा सके. ओह अच्छा, वेरी गुड. अब सुनो, गाड़ी से आराम से निकलना और दरवाजा भी आराम से बंद करना, आवाज मत करना. ओके ओके, गुड गुड. चलो. ये बैग किसका है? तुम घर छोड़ के जा रहे हो? तुम्हें इस टाइम पे बैग की पड़ी है? हमें बचाना है रिया को. तुम्हें शाना दिख रही कहीं पे? हाँ दिख रही. कहाँ दिख रही बताओ? जैसे तुम्हें वेयरहाउस दिख रहा है ना, वैसे मुझे शाना भी दिख रही. वेरी गुड, तुम मुझसे बदला ले रही हो इस टाइम पे. सीरियसली गॉड, सार्कैज़म समझ में तो आया. अब बताओ मुझे कहाँ है वेयरहाउस? कम हियर, वो देखो सामने. अर्जेंटली उसे अननोन नंबर से मैसेज. रिया, हेलो बूजी, इट्स मी रिया. रिया तुम मुझे अननोन नंबर से क्यों कॉल कर रही हो? मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है. मैं वहाँ होटल गई और आपका वो आदमी वो मेहका को लेकर कहीं चला गया. बूजी वो उसे बेचने जा रहे हैं. वो मेहका को बेचने वाला है, पर क्यों? पैसों के लिए और किस लिए? नहीं 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 नहीं, वी कांट लेट दिस हैपन. हमें मेहका किसी भी हालत में चाहिए रिया. मैंने भी यही सोचा था बूजी, लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते मैं खुद प्रॉब्लम में फंस गई. उन्होंने मुझे भी पकड़ लिया था, मैंने अपने आप को बचा लिया. और अब मैं घर आ रही हूँ. बूजी हम सिड को बोल देंगे कि मेहका हमारे पास है, तुम बस प्राची से शादी कर लो. और शादी के बाद हम कुछ बोल देंगे उसे. बूजी बट वी हैव टू शो हिम कि मेहका हमारे पास है. लिसन बूजी, इस संगीत सेरेमनी में ये डांस गाना ये सब बस बहुत हो गया. इट्स टाइम टू टेक एक्शन नाउ. उस प्राची की संगीत सेरेमनी खत्म होते होते विदाई का गाना बजना चाहिए. I'm just frustrated now to the top. I can't take this anymore. मुझे मैं बोल रही हूँ, विदाई का गाना ही मुझे सैटिस्फैक्शन देगा. She will see me now. I am coming to ruin your life, Prachi. मुझे मेरे साथ जो हो रहा है ना, जो मैं देख रही हूँ, जो मैं सब सह रही हूँ, ये सब उस प्राची की वजह से हो रहा. और अब उसकी लाइफ में जो कुछ भी होगा ना, मेरी वजह से होगा. I deserve this satisfaction. मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सारे गेस्ट उसके बारे में पूछ रहे हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं उसे. मैं इसलिए तुम्हें ये नहीं बता रही हूँ ताकि तुम फटाफट जाके गिफ्ट ले लो. मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम्हें ये पता चले कि लोग उसे कितना पसंद कर रहे हैं और अपने गिफ्ट के जरिए उसे
प्यार देना चाहते हैं। वो तो अच्छी बात है, लेकिन तुम ढूंढ क्यों रही हो उसे? उसे तो यही होना चाहिए ना। हाँ होना तो चाहिए उसे, पर दिख ही नहीं रही है। मुझे लगा तुम्हें पता होगा, इसलिए मैं तुमसे पूछने आ गई। आई मीन सिद्ध से शादी कर रही है वो, लेकिन फिर भी इस रिश्ते से तो वो तुम्हारी बहू हुई ना। ऑफ कोर्स, लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मैंने भी उसे काफी टाइम से देखा नहीं है एक्चुअली, आई जस्ट रियलाइज्ड। कमाल है, किसी को नहीं पता कि प्राची है कहाँ, ना गेस्ट को ना फैमिली को। मतलब कि वो पार्टी से कहीं चली गई है। गलत है ये पल्लवी, उसे पार्टी छोड़कर ऐसे नहीं जाना चाहिए। सारे मेहमान आ चुके हैं और सारे मेहमान उसको ढूंढ रहे हैं। क्या सोच रहे होंगे उसके बारे में और हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। लेकिन प्राची ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि उसके ऐसे नहीं मिलने से लोग हमारी इज्जत के बारे में क्या सोचेंगे। आई मीन उसे कहीं जाना ही था तो वो बताकर जा सकती थी। 10 लाख देश का मतलब खरीद लिया तूने मुझे, जो मैं कुछ भी सुनता जाऊंगा। तुझे क्या लगता है तूने सोचा करके तू यहाँ से गई? जी नहीं, हमने तुझे यहाँ से जाने दिया इसलिए गई, अब नहीं जाने दे रहे, बात सिंपल। लेकिन ये गलत है। मैंने सुना था कि आप लोगों के भी कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ उसूल होते हैं, उनका क्या? सवाल अच्छा, गुड क्वेश्चन। लेकिन इसे वो लड़की नहीं पूछ सकती जो अपनी ही फैमिली की लड़की को यहाँ बेचने के लिए छोड़ दे। अल्लाह है हमारा धंधा गंदा है, लेकिन साला तुम तो लड़की गंदी हो। और हम ना गंदे लोगों के मुंह नहीं लगा करते, हम मारते उनके मुंह पे चांटा। बदला लेने के लिए ना पावर नहीं चाहिए होती, चाहिए होती है औकात, जो तेरी बिल्कुल नहीं है। अब की बार हाथ उठाया ना तो हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में दे दूंगी, समझा? बहुत बढ़िया, करो तुम, ये जो चल रहा है तुम्हारा करो। तब तक मैं बॉस को बता के आता हूँ कि मैं तुम्हें उठा के लेके आया, ठीक है? लगे रहो। कैसा लग रहा है? हाँ मजा तो बहुत आ रहा होगा, राइट? मैंने कहा था ना कि मुझे भूल जाना, लेकिन तुझे मन ही मन मुझे इतनी बद्दुआई दी कि मुझे यहाँ वापस आना ही पड़ा। क्यों? इसे मेरी नजरों से अभी इसी वक्त दूर ले जाओ, वरना सारा गुस्सा मेरा इस पे उतर जाएगा और तुम्हारे जो 15 लाख रुपए है ना वो भी मारे जाएंगे और तेरा बॉस तुझे मार डालेगा, समझा? ए, हम क्या तेरे नौकर लगे यहाँ कि जो तू बोलेगी हम वो करेंगे? और तू औकात की बात कर रही थी, तेरी औकात भले ही हमसे ऊपर हो पर इस मीका से तो कम ही है। ये 15 लाख में बिकी और तूने तो खुद अपने आप के 10 लाख दिए हैं और तेरे वो पैसे भी जा चुके हैं। क्या किस्मत पाई है रिया तुमने, पैसे देकर भी तुम यहाँ आ गई। अब समझ में आ रहा है कि तुम्हें रणबीर भाई क्यों नहीं मिल पाए, क्योंकि प्यार ना अच्छी किस्मत वालों को मिलता है और तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है ये तो सबने देख लिया। आता माजी सटकली, डोंट एंग्री मी। देखो हम लोग ऐसे ना अंदर जाएंगे उनको डराएंगे, तुम यहाँ रहना, इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हारे पास कॉस्ट्यूम नहीं, इसलिए क्योंकि अंदर जाना ना बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा तुम्हारे लिए। अभी तुम्हारे लिए बड़ा सेफ है ना अंदर, तुम्हारे स्वागत के लिए खड़े गुंडे सारे। तुम्हारे पास ये गन है, कुछ ऊपर नीचे हो गया तो? ये गन फेक है, ये देखो, रिलैक्स। इंस्पेक्टर रणबीर और सब इंस्पेक्टर शहाना ऑन ड्यूटी आपके साथ मिशन पर जाने के लिए तैयार है। वाह वेरी गुड। अरे तुम हमारा नाम मत लेना, उनके सामने मत बोलना रणबीर और शहाना, ये मत बोलना ठीक है वहाँ पे, ओके? नाम नहीं लेना मैडम वरना गब्बर आ जाएगा। अरे वाह गब्बर, तुम लोग ना डेफिनेटली अंदर जाके कोई ना कोई गड़बड़ करने वाले हो, तो मैं बता रही हूँ, मैं आ रही हूँ तुम्हारे साथ। नहीं नहीं नहीं, तुम हमारे साथ नहीं जाओगी, तुम बिल्कुल यहीं खड़ी रहो, हम लोग नहीं जा सकते, हम वहाँ पे डराने जा रहे हैं। तुम्हारे साथ जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, इतनी प्योरी सी बच्ची तुम्हें किडनैप कर लिया तो? नहीं तुम यही रहोगी, प्लीज प्लीज समझो ना मेरी बात, अगर उस मिशन में एक वीकलिंग हमारे साथ हुआ तो वो नहीं हो पाएगा, तो प्लीज डोंट। और वैसे भी तुम्हें अगर पकड़ कर लिया तो क्या करेंगे, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, प्लीज तुम यहीं खड़ी रहो, हम यू गए और यू आए, ओके? वी लव यू, बाय, चलो 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 चलो। वीक लिंक मैं, जानते नहीं हो तुम मुझे, जिस लड़की को तुम वीक और कमजोर बोल रहे हो ना वही लड़की तुम्हारे काम आएगी, देख लेना रणबीर कोहली, बकलो कहीं का। मैंने पुलिस का नाम लिया, पुलिस हाजिर। तुम क्या कह रहे हो, यहाँ हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही डर गया हूँ,
और डर के मारे खुली आंखों सपना देख रहा हूं। तेरे सपने में नहीं आए पुलिस वाले, सच में आए। कहाँ भागोगे? पुलिस 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 आ गए, पुलिस आ गए। तो ये क्या हो रहा है? अरे जो भी हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, वो हो ही नहीं सकता, यहाँ कोई नहीं आ सकता। अबे कोई तो आया पर नहीं आवाज। तू काम कर, तू इस पे नजर रख, मैं देख कर आता हूँ। ठीक है। ये क्या हुआ? लगता है तेरा पीछा करता हुआ कोई आया यहाँ पे। पुलिस भी हो सकती है और दूसरी गैंग भी, अपनी सेफ्टी फर्स्ट। ठीक है बॉस। और हो सकता है लड़ाई लंबी चले, ना तो कुछ उनके हाथ लगने देना, ना खुद उनके हाथ लगने, समझा? ठीक है बॉस। चल। हिलना मत, पर मैं गोली चला दूंगी। ये बेवकूफी मत करना, तू यहाँ से जिंदा नहीं जा सकती। तू अपनी सोच, तू हिला तो तेरी लाश जाएगी यहाँ से। चल साइड हट, हट। तू गोली चला लेगी? चला के दिखाऊं? बोल ना, चला के दिखाऊं मैं? ये रणवीर का बच्चा भी ना, इसे बस हमेशा हीरो बनना होता है। मुझे अंदर ले जाना चाहिए था ना, मैं साथ आई हूँ, मैं उसे लेके आई हूँ, लेकिन नहीं, मुझे यहीं छोड़ दी। मुझे अंदर ले जाने से डर रहा था, जैसे कि मेरे अंदर जाते ही सारे गुंडे मुझ पे ही झपट पड़ेंगे। जानता है वो मैं कितनी स्मार्ट हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, ब्रेव भी हूँ। गुंडों से लड़ने का एक्सपीरियंस भी है मुझे बहुत अच्छा। लेकिन नहीं, शाहना को अंदर ले गया, ये दोनों अंदर जाके गुंडों से लड़े, गुंडों को मारे और मैं यहाँ बैठ के बच्चन मारूं। शाहना ने मुझे फोन करके बुलाया था, मुझसे मदद मांगी थी, मैं रणबीर को यहाँ ले आई और अब देखो दोनों मिलके पार्टी कर रहे और मुझे अकेले छोड़ दिया। मैं भी अंदर जाऊंगी। प्रिया मुसीबत में है, मैं ऐसे बैठ नहीं सकती ना, सब कुछ भगवान के भरोसे नहीं छोड़ सकती, मुझे भी कुछ करना होगा। मैं अंदर जाके रहूंगी। शाहना से बात करी थी तो नेटवर्क नहीं था, दीदा को हमेशा नेटवर्क कहाँ से पता नहीं मिल जाता। हेलो, उठाया क्या? प्राची ने फोन उठाया। हेलो दीदा, आप ठीक है? आप बात क्यों नहीं कर रही? हेलो, कहाँ है तू? तुझे पता है ना तेरा संगीत है, लोग तुझे पूछेंगे। अब तुझे लोग पूछ नहीं रहे हैं, तुझे ढूंढ रहे हैं। अच्छा दीदा, मेरी बात सुनिए, यहाँ ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम? सुनिए क्या हो रहा था कि ये तू क्या बोल रही है? हाँ लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ हूँ, मैं हैंडल कर लूंगी, लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ। मैं शाहना, आर्यन और रणबीर के साथ हूँ। आप ना बस घर की सिचुएशन हैंडल कर लीजिए, वहाँ सबको संभालिए, ठीक है? अरे मैं पुलिस को फोन करूँ क्या प्राची? नहीं नहीं नहीं, पुलिस को हमने फोन कर दिया। आप कुछ मत कीजिए, आप बस घर संभाल लीजिए, ठीक है? मैं बाद में आपको फोन करती हूँ। अच्छा पुत्र, तू अपना ख्याल रखना, ऑल द बेस्ट। जी दीदा, थैंक यू, बाय, लव यू, बाय बाय। क्यों बचा रही प्राची रिया को? अच्छा है वो गुंडे उस रिया को ले जाए, बिन बिठाए हमारी मुसीबत चली जाएगी। यही फर्क है प्राची और सबके सोचने में, प्राची ऐसा कभी नहीं सोचती किसी के बारे में। सॉरी, माय बैड। दीदा अब क्या हुआ? अब क्या करूँ, ये पल्लवी है ना, वो मुझे बोल रही है कहीं से भी प्राची को ले, अब कहाँ से लाऊं प्राची को? वो तो है, उसको तो बहुत टाइम ही लगेगा। हाँ अब क्या करे, क्या करे, क्या करे? मैजिक करते हैं। मैजिक? हाँ चल दिखाती हूँ तुझे, चल चल, क्या करती हूँ मैं, चल। लगता है चले गए, मुझे भी अंदर जाना चाहिए। तुम पुलिस वालों के पास पावर होती है ना, तो हम गुंडों के पास दिमाग होता है। गुंडों बैठ जाओ सब, वरना ये लड़के गई। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। देखो ऐसे मत करो, आपको जो चाहिए हम दे देंगे, आपको पैसे चाहिए ले लो, प्लीज ये मत करो, प्लीज सर।
प्लीज देखिए ये मत कीजिए, आप जो बोलेंगे हम कर लेंगे प्लीज। ये सब लोग मिलकर हमें बेवकूफ बना रहे हैं क्या? नकली पुलिस, नकली टेररिस्ट, सब कुछ नकली है यहाँ, और नकली गन भी। ये गन का क्यों बताया? नहीं बताना था, मुझे लगा सब सच बता रहे हैं तो गन तो नकली है ही। साहब मेरे को छोड़ दीजिए साहब, साहब मैं तो इनको जानता भी नहीं साहब, मैं तो नाटक करने जा रहा था, मुझे बुला लिया साहब, कहते पैसे मिल जाएगा साहब प्लीज साहब, साहब मेरी एक माँ दो है तीन भाई सबकी शादी करा दी साहब प्लीज साहब। और इसमें असली गोली? शाबाश मेरे चीते शाबाश, क्या बात है, वेरी गुड। क्या रे चिरगुट, हंसता क्या है, जोक सुनाया क्या? अरे हाथी के दांत है ये, चबाने के लिए कुछ और, दिखाने के लिए कुछ और, समझी? हसो हसो, बता श्री गब्बर जी क्या बोल के चले गए थे, जो डर गया वो मर गया, तुम लोग तो मर जाओगे। जैसे हम मरने वाले? हम क्यों मरेंगे पागल है क्या, ये लोग मरेंगे, देखना मरने से पहले फड़फड़ा देना, वैसे हंस रहे हैं। जोर से सर, तुम बोल इधर। अरे इधर क्या देख, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, बेचारे कैसे भोले वाले हंस रहे हैं यार, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा होने वाला है, बहुत ज्यादा। देखेगा ना तेरे साथ भी बुरा हो जाएगा। क्या देखेगा, देखेगा लॉ रखा है, मैं बात कर रहा हूँ, डिस्टर्ब क्यों कर रहा है मुझे, पहले मुझसे बात करना। मुझे इनसे बात करनी है, इनके भेजे में अगर मेरी बात नहीं घुसी ना तो इसी तरह गोली घुसेगी इसके भेजे में। गोली तो नहीं है इसमें, गोली नहीं है। मम्मी जी ये कौन है? ये पल्लवी, तूने पहचाना नहीं? नहीं ये मम्मी जी कैसे पहचानेंगी, इतना बड़ा घूंघट जो डाला हुआ है। इधर कौन है ये? कौन है क्या, प्राची है? प्राची? प्राची, लेकिन ये प्राची ने कपड़े क्यों बदले हुए और इतना बड़ा घूंघट क्यों डाला हुआ है? अरे कपड़ों पे कुछ गिर गया था, पानी से साफ किया, कपड़े गीले हो गए, कपड़े सुखाने रख के वेट कर रही थी कपड़े सूखने का, मैं वहाँ पहुँच गई और मैंने कहा कि भाई कुछ और पहन लो और आ जाओ जल्दी से, मेहमान पूछ रहे हैं। पल्लवी सब गेस्ट को बुला लो, जो उसे आशीर्वाद शगुन जो भी को देना चाहते है ना। अब मिस्टर शानी आ गई। प्राची कहाँ है? प्राची ये है ना प्राची। अरे आज इसने क्यों घूंघट डाल रखा है, आज थोड़ी ना इसकी शादी है, आज तो इसका संगीत है ना। एक मिनट। अरे नहीं 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 अभी नहीं अभी नहीं, आधे घंटे के बाद। घूंघट है या कर्फ्यू, जो टाइम देकर उठेगा। अरे टाइम की बात नहीं है, मुहूर्त की बात है। अच्छा, पंडित जी ने कहा है कि अभी ग्रहण चल रहा है, आधे घंटे के बाद ग्रहण छूटेगा, तब आप बहू का मुंह किसी को भी बता सकते हो, तब तक बहू का घूंघट नहीं उठाना है। और क्या है ना, ऐसी सब बातों में पंडित जी की बात माननी भी पड़ती है ना। बिल्कुल सही कह रही हूँ आप, ऐसे टाइम पे बहुओं को बहुत नजर लगती है। प्राची पाँव तो छू सकती हो ना, आओ इनके पाँव छुओ, आशीर्वाद लो। अब प्राची पुत्र उठो, पाँव छुओ। खुश रहो बेटा, और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। सब गेस्ट उसके लिए पूछ रहे थे तो। और तू अपनी दीदा को तो जानता ही है, इससे पहले कि मेहमान कोई सवाल करे उन्होंने सिड को साड़ी पहना के प्राची बनाया और सबके सामने घूंघट उड़ा के यहाँ लेकर आए। अब बात कर रहे हो आप, मतलब बहुत अच्छा आइडिया था, लेकिन अगर घूंघट पे उठाता तो? घूंघट नहीं हट सकता था क्योंकि अपेरेंटली ग्रहण था। वाओ वेरी गुड, वैसे दीदा से मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपने पता है कितनी बड़ी दिक्कत कर दी, अब इन्हीं कपड़ों में जब मैं प्राची को देखूंगा ना तो मुझे सिड की शक्ल दिखाई देगी। अब स्कार फॉर लाइफ, अब मैं कैसे देखूंगा प्राची को उसमें। माय सिंपथीज आवे जी। क्या हुआ पल्लो, क्या सोच रही हो? नहीं मैं सोच रही हूँ कि जो रिया और मीका के साथ हुआ वो वापस नहीं होना चाहिए, ऐसे तो कोई भी सेफ नहीं है, एंड नॉट बिकॉज ये हमारे घर की बहू या बेटी है, बट इट्स जस्ट दैट वी आर नॉट सेफ इन द सोसाइटी। हाँ तुम ठीक कह रही हो, हमें पता लगाना चाहिए बिकॉज ये बहुत डेंजरस हो सकता है। अरे इधर गई क्या? पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जब रिया मीका के साथ थी तो उसपे मुसीबत कैसे आ गई? I mean, वो गुंडे उसको। मैं बताती हूँ,
आलिया भुजी के आदमियों को पैसे चाहिए थे और लिए होंगे कहीं से लाखों रुपए। अब जब चुकाने की बारी आई तो दिमाग में ना गलत काम के ख्याल आने लगे। उनके दिमाग में आया कि मीका को बेच देते, इसलिए उन्होंने आलिया भुजी को बुलाया और वहाँ पर गलती से रिया आ गई। अब जब रिया वहाँ पहुंची तो उसे कुछ पता ही नहीं था कि उन लोगों का मीका को बेचने का प्लान ऑलरेडी बन चुका है। अब रिया जब आई तो रिया की कुछ टू टू मैं हो गई, तो वो और भड़क गए। इस वजह से उन्होंने रिया को अपने कब्जे में ले लिया और उनका लालच और बढ़ गया। उन्हें लगा होगा कि रिया को भी बेच देते और पैसे कमा लेते, पर रिया ने अपने पैसे खुद ही दे दिए। रिया ने अपनी फिरौती खुद दी मतलब? अरे वो तो पैसे दे के वहां से चली भी गई थी। मीका बेचारी यही सोच रही थी कि इसने अपने आप को बचाने के लिए पैसे दे दिए, मुझे भी बचाने के लिए पैसे दे दी थी। और रिया पता है क्या बोल के थी कि मैं जा रही हूँ, रखो मेरे पैसे और मीका को बचाने के लिए इससे पैसे ही वसूल लेना, इसे बेच कर। यहाँ तक ये भी कह दिया मीका के साथ जो करना है करो, पर वो पैसे नहीं दी। वो मुझे बचा सकती थी लेकिन उसने मुझे। इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा, प्रॉमिस। और कहते हैं ना कि बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। उन गुंडों के मन में लालच आ गया था, उन्हें लगा जो लड़की अपने आप को बचाने के लिए इतने पैसे दे सकती है तो सोचो उसकी फैमिली के पास कितना पैसा होगा, इसलिए उन्होंने रिया को भी किडनैप कर लिया। पर वो तो बच गई ना, पर मैं अभी भी नहीं बच पाई। आप लोगों को लगता होगा कि मैं यहाँ सेफ हूँ, पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। उनकी नजर अभी भी मुझ पर है। हमारी तरफ से एक गलती बहुत बड़ी गलती हो सकती, शायद वो लोग मुझे गोली मार दे। इन शॉर्ट मैं अभी तो सेफ हूँ, लेकिन तब तक जब तक हम रिया और आलिया को ट्रबल ना दे, मैं अभी जा रही हूँ। लिविंग रूम से यहाँ तक बहुत मुश्किल से आ पाई। नहीं मीका, मेरी बात सुनो तुम। प्राची अभी प्लीज कोई दिलासा मत दो, तब तक उनके चंगुल में हूँ जब तक वो लोग चाहें। और आप अगर उन्हें हराना चाहते हो ना, तो सबसे पहले उनकी पावर को खत्म करो। मीका सिड रुको, सिड मेरी बात सुनो। डोंट वरी, मीका सेफ है, मतलब हम है ना, उसे कुछ नहीं होने देंगे, ट्रस्ट में। मैंने इतना हेल्पलेस कभी फील नहीं किया खुद को। कैन अंडरस्टैंड सिड, बट डोंट वरी, बस कुछ देर हो, आज रात तक ये मजबूरी। क्यों ऐसा बोल रही हो, सब ठीक होगा, थोड़ी सी तो राहत की सांस मिली है, ऐसा मत बोलो। ऐसा मत बोलूं? हाँ ऐसा नहीं बोलती तो क्या बोलूं मैं? हाँ मैं बोलूं कि मेरी और रणबीर की वेडिंग एनिवर्सरी चल रही है और प्राची की डेथ हो गई, ये बोलूं मैं? सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ओके। माय फुट, नथिंग विल बी ओके। तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ रिया? नहीं, पर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ। आपको ना समझ में नहीं आ रहा है, मीका का यहाँ आने का मतलब बात सिर्फ इतनी नहीं है कि हमारा सच सबके सामने पकड़ा जाएगा। अगर उस प्राची की शादी सिर के साथ नहीं हुई ना, तो मैं आपको जितना पॉजिटिव सोचना है, जितनी राहत की सांस लेनी है, ले लीजिए, मैं पॉजिटिव करने जा रही हूँ। रिया वेट, क्या करने जा रही हो तुम? जब करूंगी ना तो आपको दिख ही जाएगा, पर प्लीज प्लीज आई हैव अ रिक्वेस्ट। जिन आदमियों ने मुझे किडनैप करके टॉर्चर किया था ना, प्लीज आप उन्हें पकड़वा दीजिए कुछ भी करके। आई जस्ट वांट देम अरेस्टेड। अंधा कानून को उन्हें सजा बाद में देगी, पर उससे पहले मैं उन्हें एक जोर का थप्पड़ लगाकर अंधा करना चाहती हूँ। पुलिस स्टेशन। आप लोगों को लगता होगा कि मैं यहाँ सेफ हूँ, पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। उनकी नजर अभी भी मुझ पर है, शायद वो लोग मुझे गोली मार दे। ये तो मेरा अपने आप से वादा है कि आज की रात खत्म होते होते मैं बहुतों का भ्रम तोड़ दूंगी, सब सामने आएगा और बहुत से फैसले बदल जाएंगे। साना, I need a favor। हाँ? यार मुझे ना मीका की बहुत टेंशन हो रही, क्या तुम उसका ख्याल रख लोगी? प्लीज उसे कुछ होने मत देना। आई प्रोमिस इट, मैं मीका की परछाई बनकर उसके साथ रहूंगी और किसी का भी बुरा साया उस पर पड़ने नहीं दूंगी। थैंक यू। अच्छा हो तुम लोग यहाँ मिल गए। अच्छा मेरी बात सुनो। मैं हाँ।
जुबानियां तेरी झूठी भी सच लागे, तू मेरा कोई ना हो कभी कुछ लागे। कितना अच्छा डांस कर रहे दोनों, है ना? मुझे तो दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है। आपको किसकी जोड़ी अच्छी लग रही है? मुझे तो किसी की भी जोड़ी अच्छी नहीं लग रही, ना प्राची रणबीर की, ना सिड रिया की, और ना ही शाहना आर्यन की। जैसा आप सोच रही हैं ना, वैसा कभी नहीं होगा, नेवर एवर। इसे जो हो रहा है उसे होने दीजिए, किसी और के संगीत में किसी और की शादी की शहनाई मत बजाइए। कोरियर बॉय, तुम यहाँ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? वाटर, कॉफी और स्नैक? हाँ हाँ रणबीर, कुछ चाहिए तुम्हें? टी, कॉफी, स्नैक, एप्पल, बनाना, एनीथिंग यू वांट? नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। जो मुझे चाहिए मैं ले लूंगा। इट्स ओके, रिलैक्स। खुद ले लूंगा। क्या हुआ रिया? क्या हुआ? रणबीर के बाद देख लूंगी। ए रिया, व्हाट हैपेंड एकदम से? रिया, मुझे रणबीर, तुम रिया को रूम में लेके जाओ, मैं पानी लेकर आती हूँ। ओके 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 रिया, इट्स ओके इट्स ओके, एक सेकंड, एक आराम से आराम से, इट्स ओके। जो चाहता ही नहीं था जिसकी शादी रणबीर से हो, वो ये कैसे चाहता होगा कि वो रणबीर की बच्ची की माँ बनने वाली है? कोशिश तो बहुत की तुमने, इसे तो तुमने ये चैलेंज दिया, लेकिन होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है, कि रिया को माँ बनने का सुख उसी से मिले जिससे उसे पत्नी बनने का सुख मिल रहा है। और ऐसा कोई सुख तुम्हारी किस्मत में नहीं है, इसलिए तो तुम ये सब कर रही हो तमाशा। इससे तुमने धमकी दी ना रिया को कि वो डीएनए टेस्ट करवाए ये जानने के लिए कि उसके पेट में जो बच्चा है वो रणबीर का है या नहीं। तो टेस्ट हो गया है, रिजल्ट भी आ गया है, सो प्लीज आज के बाद मेरे बच्चे पर कभी सवाल मत करना। नहीं, ये झूठ है, मैं अभी नहीं मानती, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस टेस्ट का रिजल्ट गलत है, मैं अभी यही कहूंगी कि रिया रणबीर के तो क्या किसी के भी बच्चे की मां नहीं है, क्योंकि रिया प्रेग्नेंट ही नहीं है। ये कब से हम सबको बेवकूफ बना रही है? आई एम वेरी श्योर हमारे प्यार का नाजायज फायदा उठा रही है। रिया इज नॉट प्रेग्नेंट। इसने जरूर कुछ किया है जिससे पूरी की पूरी रिपोर्ट बदल गई है। बस बस प्राची, बंद करो अपना ये नाटक। जितना बोलना था बोल चुकी हो तुम, जितने इल्जाम लगाने थे लगा चुकी हो तुम। अब कुछ नहीं बोलोगी तुम। इनाफ इज इनाफ। रिया रणबीर के बच्चे की माँ बनने वाली है या नहीं, ये सब बातें तुम्ही ने स्टार्ट की थी ना। ये टेस्ट तुम्हारा, टेस्ट पढ़ने वाली डॉक्टर तुम्हारी। अब कोई बकवास नहीं चाहिए तुम्हारी मुझे। अब सिर्फ माफी मांगोगी तुम रिया से। माफी मांगो उससे, उसकी इंसल्ट करने के लिए, उसके बच्चे पर सवाल पैदा करने के लिए, उसे झूठा ठहराने के लिए, क्योंकि वो सच कह रही है। नहीं, वो झूठ बोल रही है और मैं सच बोल रही हूँ, और सच बोलने के लिए मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी। मैं माफी नहीं मांगूंगी।
नहीं जाओगी तुम रिया, तुम्हारी इज्जत सिर्फ तुम्हारी नहीं है, हमारी भी है, और इस घर की इज्जत के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। प्राची को तुमसे माफी मांगनी होगी, और अगर उसने माफी नहीं मांगी तो सबसे पहले वो मुझे खो देगी। माँ मानती है ना मुझे, एक माँ के इंसल्ट करने पर वो एक माँ को खो देगी। आई स्वेयर टू गॉड शी लूज मी फॉरएवर। रिया के बच्चे का डीएनए रणवीर के डीएनए से परफेक्टली मैच करता है, मतलब ये बच्चा रणवीर का ही है। इस टेस्ट का रिजल्ट गलत है, मैं अभी यही कहूंगी कि रिया रणवीर के तो क्या किसी के भी बच्चे की मां नहीं है। अब अगर इसने मुझसे माफी नहीं मांगी ना तो मैं अपने पेट में रणवीर का बच्चा लेकर इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। प्राची को तुमसे माफी मांगनी ही होगी, और अगर उसने माफी नहीं मांगी तो सबसे पहले वो मुझे खो देगी। खाना खाने के लिए भेज दिया, इट्स अ प्राइवेट कॉन्वर्सेशन जो सिर्फ फैमिली के बीच में ही और वैसे ही होना चाहिए। तुम क्या बोल रहे हो, क्या मतलब ये प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है, कोई नहीं सुनेगा, कौन सी कॉन्वर्सेशन होने वाली है यहाँ? रिया, ज्यादा मासूम बनने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे अनजान बनने से कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें। तुम्हें अच्छे से पता है मुझे क्या बात करनी है, तुम यहाँ क्यों आई हो और रणबीर क्या बोल रहा है। नहीं प्राची, मुझे सच में नहीं पता। Tell me, क्या कहने वाली हो? वो संगीत शुरू होने से पहले मैंने तुम्हें तुम सीधे सीधे रिया से माफी मांगोगी या नहीं? उसी के लिए आई हूँ, मैंने तुम्हें हर्ट किया है। हर्ट? तुमने रिया की बेइज्जती की है, यू हैव इंसल्टेड हर। बहुत गलत किया है तुमने रिया के साथ, अपनी खुद की बहन के साथ। अरे सारे लोग इसे प्रेगनेंसी की मुबारकबाद दे रहे हैं और तुम चैलेंज दे रही हो, वो भी क्यों? क्योंकि रिया ने तुमसे कहा कि तुम प्रेगनेंसी टेस्ट करवाओ, तो तुमने भी रिया से कहा कि वो प्रेगनेंसी टेस्ट करवाए। एंड व्हाट हैपेंड, रिजल्ट हम सबके सामने है, सबको पता चल गया कि किसका शक सही था और किसका शक बेबुनियाद। यस, रिया का शक सही था और तुम्हारा शक गलत। रिया रणवीर के बच्चे की माँ बनने वाली है, और तुम किसके बच्चे की माँ बनने वाली हो? बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी रिपोर्ट्स पे कर रहे हैं, पहले तुम्हें चैलेंज दिया था, अब तुम्हारे रिपोर्ट्स को चैलेंज कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता वो रिपोर्ट सही है, उसके लिए तुम्हें एक बार और डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। तुम कहो तो हेल्थ मिनिस्टर से भी रिपोर्ट पे सिग्नेचर करवा दूं, या कहो तो अपनी लॉयल्टी का टेस्ट दे दूं, अग्नि परीक्षा दे दूं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, फिलहाल के लिए एक मामूली सा डीएनए टेस्ट ही काफी है। दोबारा से तुम्हें डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा, प्लीज प्लीज। मैं टेस्ट दोबारा करवाने के लिए तैयार हूँ। एक बार तो डीएनए टेस्ट करवा चुकी हूँ, सो नाउ आई नो द प्रोसीजर। मुझे पता है कि दोबारा डीएनए टेस्ट कैसे होता है। सोती हुई प्राची को बेहोश करना और बेहोश प्राची से सैंपल लेना और उस सैंपल को अपने सैंपल से बदल कर लैब भेज कर डीएनए टेस्ट करवाना, सब सिंपल है। मुझे तुम्हारा ये चैलेंज तभी मंजूर होगा जब मुझे तुम्हारी माफी मंजूर होगी। दोबारा चैलेंज तुमने इसीलिए दिया है क्योंकि तुम पहला चैलेंज हार गई हो, और बाय द वे जिसके लिए तुमने अभी तक मुझसे माफी नहीं मांगी है। सुप्राची, पहले माफी मांगो, और अगर तुमने सबके सामने मुझसे माफी नहीं मांगी तो मैं अभी इसी वक्त इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। प्राची,
साक्षी शायद तुमने ठीक से सुना नहीं, मैंने कहा अभी सबके सामने मुझसे माफी मांगो वरना मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। फाइन, आई हैव हैड इनफ, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूं। प्राची मांगो माफी उससे। रिया तुम्हारी बहन है, से सॉरी। राजीव, रिया रणबीर के बच्चे की मां बनने वाली है। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, सॉरी बोल दो उससे। अगर जान बुझ के नहीं करते तो प्लीज मुझे बता दो कि तुम किस मिट्टी के बने हो। किस मिट्टी का बना हो मतलब क्या क्या बोले जा रही हो तुम? आई ओके? जब तुम एक नॉर्मल इंसान जैसे बिहेव नहीं करते, वो लड़की जो तुम्हें पूछती तक नहीं, she doesn't care about you, she doesn't care about your feelings, तुम उसके पीछे पड़े हो, क्यों, why, किस लिए? सिर्फ इसलिए कि वो अच्छी दिखती है, because I know सूरत ही वजह होगी, सीरत तो वजह बिल्कुल भी नहीं। Are you mad, Riya? कुछ भी बोल रही हो तुम, मैं कितनी बार तुम्हें बोल चुका हूँ, मैं एक आखिरी बार तुम्हें बोल रहा हूँ, मुझे प्राची से प्यार उसकी सूरत की वजह से नहीं हुआ था। अगर मुझे सूरत की वजह से प्यार होता ना, तो शायद मैं पहले जब मैंने पहली बार उसको देखा तभी मुझे उससे प्यार हो जाता, लेकिन पहले जब हम मिले थे हम झगड़ते थे, हमारी लड़ाई होती थी, जब मैंने उसकी सूरत के आगे देखा ना, मुझे तब उससे प्यार हुआ। मुझे असल में पता चला कि प्राची कौन है, और उस प्राची को सिर्फ मैं जानता। जिस प्राची को तुम जानते हो ना रणबीर, वो प्राची का एक अलग रूप है, एक मुखौटा है, एक मास्क है जो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सामने पहनती है। उसका असली चेहरा ना तुमने कभी देखा ही नहीं है रणबीर, और शायद तुम कभी देखोगे ही नहीं, बिकॉज यू आर जस्ट ब्लाइंड इन लव। रणबीर देखो, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है, आई रियली केयर फॉर यू, और मैं तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती, बट आई हैव नो ऑप्शन। रणबीर मुझे आज तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा, प्राची तुमसे प्यार नहीं करती। करती है वो, करती है वो। प्राची मुझसे प्यार करती है, प्राची तुमसे प्यार करती है, प्राची तुमसे प्यार करती है। अरे देख लिया मैंने उसका प्यार, प्यार तुमसे, और प्यार की निशानी किसी और से। रिया प्लीज फालतू की बातें मत करो, मेरे पास टाइम नहीं। रणबीर फालतू की बातें तुम कर रहे हो, अरे उसकी शादी सिर्फ के साथ होने वाली है, और तुम प्राची के साथ प्यार के सपने देख रहे हो। वो सिर्फ के साथ शादी नहीं करेगी। ऐसा उस प्राची ने बोला? नहीं, ऐसा मेरा दिल बोल रहा है, मुझे पता है वो नहीं करेगी, और मैं बस वेट कर रहा हूँ वो एक दिन आगे मुझे बोले कि मैं सिर से शादी नहीं करने वाली हूँ, और उस दिन सिर्फ मैं बोलूंगा, और उस दिन तुम सब सिर्फ सुनोगे कि मुझे और प्राची को कोई अलग नहीं कर सकता, समझी? समझी? तुम भी नहीं, और तुम देखना प्राची मेरे लिए रुकेगी, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। एंड यू नो व्हाट, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि प्राची के पेट में किसका बच्चा है, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ प्राची से प्यार है, एंड दैट्स इट। इट वेल डन। लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं, और तुम, अरे तुम अकल के अंधे हो रहे हो रणबीर, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? मुझे तो पता ही नहीं है प्राची ने तुम्हें क्या बोला, या तुमने क्या देख लिया कि तुम्हें लग रहा है कि प्राची सच में तुम्हें प्यार करती है? No, you're wrong. सच ये है कि प्राची की शादी सिड के साथ होने वाली है, उसके पेट में सिड का बच्चा है, और वो हमें क्लाइंट होटल स्टार शेरिटन में नहीं रुका हुआ? नो सर। देखो एक बार चेक कर लो, क्योंकि अगर ये गलत निकला ना तुम्हारी जॉब जा सकती है। मैंने अच्छे से चेक कर लिया सर, कोई भी इंटरनेशनल क्लाइंट नहीं आया है। यार ने जो बोला अगर वो सच हो गया ना, तो आई स्वेयर इस बार मैं अपनी आंखें बंद नहीं करूंगा। इस बार मुझे दिख गए ना वो दोनों, तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा, लेकिन मैं सिद्धार्थ को तो मार दूंगा, जान से मार दूंगा उसको मैं। हेलो, कहाँ जा रहे हो रणबीर? कोई फायदा नहीं है ये सब करने का। रणबीर देखो प्लीज घर आ जाओ। तुम उन्हें नहीं खुद को ह्यूमिलिएट करोगे रणबीर, वो दोनों बेशरम है। तुम्हें लग रहा है उन्हें पकड़ के तुम उन्हें शर्मिंदा करने वाले हो, पर नहीं, तुम उन्हें नहीं, तुम खुद अपने आप को ही शर्मिंदा करोगे। I'm sorry, रणबीर देखो, मैं तुम्हें और हर्ट नहीं करना चाहती, मैं नहीं देख सकती कि तुम्हारी फीलिंग्स और हर्ट हो रही हैं। Listen to me, just come back home. I'll take care of you, baby. रिया मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकता, मैं रास्ते में हूँ, ट्रैफिक में हूँ, उनका पीछा कर रहा हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, फोन रखो। रणबीर
कट कर दिया। चलो करने दो कट। मुझे कट करके अगर तुम उनका रास्ता कट करने वाले हो तो यू नो व्हाट रणबीर, तुम मेरा फोन एक बार नहीं 10 बार कट करो। हाँ मुझे थोड़ा बुरा लगा बट यू नो व्हाट, मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है ये सोच के कि तुम प्राची के साथ क्या करने वाले हो। अब देखो मुझे जो करना था वो तो मैंने कर लिया, मैंने प्राची से माफी मंगवा ली और इस बार रणबीर तुम्हारी बारी है और मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए एक माफी काफी नहीं होगी क्योंकि पिछली बार तुम्हें जिस जगह चोट लगी थी ना इस बार उसी जगह एक और चोट लगने वाली है। जितना दर्द रणबीर को होगा उतनी सजा उस प्राची को मिलेगी। रणबीर तो बिना देखे बिना कुछ सोचे समझे अपना सारा गुस्सा उस प्राची पे निकाल देगा और पिछली बार की तरह इस बार भी मिशन होटल इज गोइंग टू बी अ सक्सेस। मुझी को सब बताती हूँ। रिया प्लीज अभी नहीं बात कर सकती, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। नहीं नहीं बूजी लिसन टू मी, आपका आइडिया काम कर गया, वी आर विनिंग बूजी। मैंने रणबीर को कहा कि प्राची और सिद्ध दोनों एक साथ होटल गए हैं। मिहिका क्या लगा हमने उसे मार दिया? नहीं जिंदा है और जिंदा इसलिए है क्योंकि हमें उसकी असली कीमत पता है। देख क्या रही हो तुम, राठी के भाई हो? हाँ। छोड़ूंगी नहीं उसे, धोखा दिया है उसने मुझे। क्या धोखा दिया है? तुमने पैसा देके मुझे खरीदा और इन्होंने तुमसे ज्यादा पैसा देके मुझे अपनी तरफ कर लिया। और हम सब झूठ के नहीं होते, हम तो सिर्फ पैसों के होते हैं। तुम्हें पैसे तभी मिलेंगे जब मैं इन्हें पैसे दूंगी। अब चाहे आप पैसा दो चाहे दे, हमें तो पैसों से मतलब है। किसी और का तो पता नहीं लेकिन ये पैसे ना तुम्हें बहुत महंगे पड़ेंगे। May I help you, sir? Yes, you may help me. Actually, मैं अपने एक दोस्त को ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे, उसका रूम नंबर बता सकती हैं आप मुझे? सॉरी सर, मैं आपको डायरेक्ट रूम नंबर नहीं बता सकती, मुझे उन्हें इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि आप उनसे मिलने आए हैं। अगर वो हाँ करेंगे Then I will give you the room number. आपको कभी किसी ने ये बताया कि जब आप मुस्कुराती हैं तो सिर्फ आप चेहरे से नहीं मुस्कुराती, आपकी आंखें भी मुस्कुराती हैं? Actually, मैम देखिए ऐसा है कि जिससे मैं मिलने जा रहा हूँ ना उसको पता नहीं है कि मैं आने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसके लिए ना एक सरप्राइज हो, इसीलिए अगर आप उसको फोन करके बता देंगी तो पूरा सरप्राइज खराब हो जाएगा। वो एक लड़की के साथ आया प्राची, वो जो लड़की है वो उसकी फियांसे है। भाई मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, आप पहचान जाएंगे। वैसे तो इतनी खूबसूरत है कि एक बार देख ले तो भूल नहीं सकता आदमी, बट स्टिल ये देखिए, ये है प्राची। Yes, you are absolutely right. ये इतनी खूबसूरत है कि कोई इन्हें एक बार देख ले तो भूल नहीं सकता। Yes, और इन्हीं की तरह अगर कोई इंसान आपको एक बार देख ले ना तो कभी नहीं भूल सकता, मैं तो नहीं भूल पाऊंगा। तो बताइए ये रूम नंबर कहाँ है इनका? पर सर जिनकी आप फोटो दिखा रहे हैं वो यहाँ नहीं है। ओह मैं समझ गया, उन्होंने आपको मना किया ना किसी को भी बताने से। आई अंडरस्टैंड बट आप समझ नहीं रही है, मेरा ना उनसे मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है और यहाँ पे सिर्फ एक ऐसा इंसान है जो मेरी मदद कर सकता है और वो है आप। मुझे लग रहा है क्योंकि पता है जितना खूबसूरत आपका चेहरा है ना उतना ही खूबसूरत दिल भी है, तो प्लीज चेक कीजिए और बताइए। थैंक यू। देखिए क्या नाम बताया आपने? सिद्धार्थ और प्राची। सॉरी सर, सिद्धार्थ और प्राची के नाम का यहाँ कोई बुकिंग नहीं है। क्या बात कर रही हैं, वो एक दो घंटे पहले ही आई हैं, प्लीज देखिए ना एंट्री होगी। सर मैं पूरे दिन का चेक कर रही हूँ लेकिन सिद्धार्थ और प्राची के नाम से यहाँ कोई बुकिंग नहीं है। एक बार मैं देख लूँ। थैंक यू। I'm so sorry. सच में नहीं है। चलिए थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी मदद करी। और आपको कभी नई जॉब की जरूरत होगी ना तो मुझे फोन कीजिएगा, ये मेरा कार्ड है, लीजिए। जॉब? ऐसे सबकी मदद करती रहेंगी आप तो एक दिन पकड़ी जाएंगी, पकड़ी गई तो शायद जॉब से निकाल दी जाए। और अगर आप बाय चांस जॉब से निकाल दी जाए तो आप मुझे फोन कीजिएगा, मैं आपको एक नई जॉब दे दूंगा क्योंकि अच्छे इंसानों के साथ अच्छा होना चाहिए।